तोर जे आस्था लागू टाके हमनी एको विशेष दिन रहतो ओटा दिन सम्मान करबो तोय हमनी के सम्मान कर हम तोर सम्मान करले बदले में तोय हमन सम्मान कर बाकी अगर आस्था के बात है तो आस्था तो हमनी को रहो हमनी को भी आस्था अपने होना चाहिए और हम तो तोर से पहले से और धर्म अगर धर्म के भी बात करबे तो हमरा बुझा जैन बहुत सुंदर धर्म है लेकिन ओकर आड़ में चंद उद्योगपति अपन वर्चस्व बना ले चाहते एगो धार्मिक एंगल दै के तो सही खातिर आज हमनी आसपास छै पहाड़ प्राकृतिक स्थान ककरो नहीं भेव सीधा सा बात है नदी नाला जंगल झाड़ी लग ककरो नहीं भेव है अब यदि तोर आस्था में ठेस पहुंचो तो तुम हमार दोष की झारखंड का मतलब ही था जल जमीन जंगल स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया पते नहीं चला पेपर पढ़ते हैं ना पढ़ लीजिएगा स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का हो गया है पंचायत डैम का पानी बीएसएल का है अब पारसनाथ पहाड़ किसी ट्रस्ट का होने जा रहा है बाकी हम लोग झाल बजाने के लिए हैं। जोहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बात फिर वही पारसनाथ पहाड़ समेत शिखर जी और विवाद। जैन समाज पूरे देश में आंदोलन की राह पर है। उसका कहना है कि उसके जो सबसे पवित्र धर्म स्थलों में से एक है झारखंड के गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड में स्थित पारसनाथ पहाड़ वो अपवित्र हो रहा है सैलानियों के आने जाने की वजह से उनकी गलत हरकतों की वजह से। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है पारसनाथ के आसपास के ग्रामीण भी गोलबंद हो रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जो झारखंड के एक तेजी से उभरते हुए नेता हैं उन्होंने आज एक लंबा वीडियो जारी किया। जयराम महतो का कहना है कि वहां आस्था का सवाल है तो आस्था हमारी भी है। जैनियों का वो तीर्थस्थल है हम जानते हैं हम मानते हैं और उनकी आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन उन्हें भी हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम उनके पहले से इस धरती पर रह रहे हैं। जयराम महतो कहते हैं कि आज पारसनाथ पहाड़ संकट में है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन हमारा भी सम्मान होना चाहिए। उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ जो है वो हमारी राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु है। तो उन्होंने एक वहां सभा भी की एक छोटी सी बैठक की और ग्रामीणों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति है हम किसान लोग हैं हम शिकारी लोग हैं और हमारी हमारा जो कल्चर है हमारा जो रहन सहन है हमारी जो संस्कृति है उसमें मांसाहार और बलि देना उस संस्कृति का उस कल्चर का एक अभिन्न अंग है उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो वो ये भी कहते हैं कि पारसनाथ जैनियों का धर्म स्थल है उसका सम्मान करते हुए हमने वहां बलि देना बंद कर दिया हालांकि हमारे देवता हैं पहाड़ों पर हमारे देवता रहते हैं लेकिन हम उनकी आस्था का सम्मान करते हुए वहां बलि नहीं देते अपने घरों में बलि देते हैं लेकिन अब वे हमारे घरों में घुसना चाहते हैं हमें यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं और वे इसलिए करना चाहते हैं ताकि पारसनाथ पहाड़ खाली हो जाए और वहाँ रिसोर्ट बन जाए कोठिया बन जाए और सैलानियों के तीर्थयात्रियों के रहने के लिए वहाँ पूरा मुकम्मल व्यवस्था हो जाए और वहाँ से 50 जो गांव है वहाँ से ग्रामीणों को आदिवासियों को मूलवासियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाए। जयराम महतो ये भी आरोप लगाते हैं कि गुजरात के कुछ पूंजीपतियों की यह साजिश है जो पारसनाथ कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए पूरे इलाके में जगह जगह जहां जरूरत नहीं है वहां भी पुलिस पिकेट और सीआरपीएफ के पिकेट खोल दिए गए हैं। तो आइए आज बात करेंगे जयराम महतो की और जयराम महतो ने एक वीडियो जारी करके जो कुछ कहा है उसको सुनते हैं। आइए सुनते हैं जयराम महतो क्या कह रहे हैं। हमारी पहचान माटीराड़ से है हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है। स्टार्ट ही किए हैं पारसनाथ पहाड़ का जिक्र करते हुए यानी स्पष्ट है संकट में पारसनाथ पहाड़ है। सबसे पहली बात हम लोग झारखंड के लोग खेती के माध्यम से कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर रहते हुए जीवन यापन करने वाले लोग हमेशा सबका हमने सम्मान किया है। हमारी हजारों हजार बस्तियां उजड़ी हैं नदी नल कारखानों में डूबी हैं तब जाकर झारखंड आज चमकता हुआ दिख रहा है। इस चमकते हुए झारखंड ने बहुत किसी को रोजगार दिया किसी को अरबपति बनाया किसी को खरबपति बनाया किसी को उससे भी ऊपर बनाया लेकिन बदले में हमें बमुश्किल से अभी 2 जून की रोटी मजदूरी के दर और कुछ अनाज उपलब्ध हो पाते हैं। आज बात करेंगे पारसनाथ पहाड़ के विषय में जिसको लेकर मैंने कहा था
पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में भी चर्चा में था और साथ ही साथ पेपर कटिंग के माध्यम से भी आप लोग पढ़े होंगे कि आखिर पारसनाथ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबसे पहली बात पारसनाथ, स्टार्टिंग करते हैं। आप पारसनाथ को जानते हैं जैन तीर्थ स्थल के रूप में। चलिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, भारत की खूबसूरती, झारखंड की खूबसूरती, सबका आदर सत्कार। लेकिन पारसनाथ चर्चे में तब आता है जब वहां आग लगती है। शुरुआत सही बात को पकड़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि पारसनाथ में चल किया रहा है और इसे मिटाने का लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ही आज यही है कि पारसनाथ संकट में क्यों है। पारसनाथ चर्चे में तब आता है जब आपको ये बात पता चलती है सोशल मीडिया अथवा अखबारों के माध्यम से कि पारसनाथ में आग लगा है। आग लगता है कंटिन्यू, हर साल लगता है, भूल चूक एक बार हो सकती है, अगर बार बार लगता है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उस भीड़ में किसी को सवाल खड़ा करना ही चाहिए कि आखिर आग क्यों लगी है। तो जैसा कि हम लोगों की टीम ने सर्वे किया, हमने पहले क्या, हम लोग किसी भी आज लाइव आने से पहले हम लोग 2 घंटा पहले बोले थे कि भाई कुछ स्टडी करेंगे तभी कुछ बोलेंगे, निरर्थक बात तो रखना है नहीं। तो स्टडी, हालांकि इस विषय में हम लोग बहुत दिन पहले से किए हैं, लगभग 2-3 साल से स्टडी चल रही कि आखिर आग क्यों लगता है। उसके प्रमुख 2-3 कारण सामने आते हैं, जिसमें पहला कारण तो आप जानते हैं कि चलिए कुछ ग्रामीण वहां एक आरू टाइप का कुछ फसल होता है जो हम लोग नीचे से उखाड़ते हैं, तो वहां झुंड होने के कारण निकाल नहीं पाते, इसलिए कुछ लोग लगा देते थे। तो खैर अब तो लोग ऊपर, जब से मैंने आंदोलन चला तो लोग, उन्होंने ग्रामीणों ने कहा पारसनाथ हमारा आरू के अलावा हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां भी देता है तो आग नहीं लगाएंगे। यानी ग्रामीण, ये मान्यता था जो सर्वे की टीम कहती है कि कुछ ग्रामीण मैंने उस आड़ू को कोरने के लिए जंगल में, चूंकि झाड़ी होता था उस जगह को साफ करने के लिए छोटा मोटा लगाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए, और एक सवाल सामने आता है कि पारसनाथ में जो विद्रोही कहते हैं, जिसको झारखंड में स्पष्ट शब्दों में नक्सली कहा जाता है, वे लोग शरण पाते हैं, ऐसा मान्यता है, चलिए सच्चाई भी है। तो यानी प्रशासन के माध्यम से ही कभी कभी आग लगाया जाता है कि जंगल खत्म होगा जिससे वे श्रेय नहीं ले पाएंगे। सर्वे की बात कह रहा हूं मैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। और तीसरा कि कुछ पूंजीपति लोग अपने लोगों को कहकर वहां आग लगाते हैं, इसलिए क्योंकि अगर जमीन से पेड़ पौधे हट जाएंगे, जल के खाक हो जाएंगे, तो वो मिट्टी आसानी से वहां पर अपना कोठी बना सकते हैं, फ्लैट बना सकते हैं, रिसोर्ट बना सकते हैं, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे। ये 3 कारण सामने आते हैं। यानी आप समझ गए कि पारसनाथ संकट में क्यों है, कौन लोग चाहते हैं इसे संकट में लेकर आना। अब आप कुछ दिनों के माध्यम से अखबार में ये पढ़े होंगे कि कुछ समुदाय के लोग दिल्ली भोपाल में धरना दे रहे हैं, तो कभी दिल्ली में धरना दे रहे हैं कि पारसनाथ को उनके लिए सुरक्षित किया जाए। पहली बात, प्रकृति चाहे पहाड़ हो, नदी हो, झील हो, झरना हो, ये व्यक्ति जाति धर्म विशेष का नहीं होता है, प्राकृतिक सबका उस पे योगदान होता है, सबके लिए होता है। दामोदर नदी का पानी हो, स्वर्णरेखा नदी का पानी हो, खरकई नदी का पानी हो, या किसी अन्य नदी का पानी हो, प्राकृतिक ऊपर सबका अधिकार होता है। ठीक उसी प्रकार पारसनाथ पर सबका, रहने वाले सबका अधिकार है। लेकिन अब क्या साजिशें चल रही है, कोई तर्क दे रहा है, दलीलें दे रहा है कि हमारी धार्मिक आस्था, आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, बल्कि हमने टीम से यह भी चर्चा किया, पारसनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले गांवों से भी इस धार्मिक आस्था को भी लेकर हमने चर्चा किया, अहिंसा बलि देना और बलि ना देना पर भी चर्चा किया। तो देखिए, किसी का आस्था बलि देना पर होता है, किसी का आस्था बलि ना देना पर होता है, दोनों आस्था का विषय है और दोनों ही कर्म का विषय है। ये अब चूज आपको करना पड़ता है कि आपकी आस्था किस में है। जब हम आपकी आस्था को आहत नहीं करते हैं तो अगला को भी हमारी आस्था को आहत नहीं करना चाहिए। तो इस बलि के विषय को लेकर हमने काफी बुद्धिजीवियों से बात किया, उन्होंने एक लाइन में कहा कि ठीक है, बलि ना होना किसी दूसरे के लिए आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन यदि आप किसान हैं तो आप इससे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि आपको 12 महीना खेतों में रहना पड़ता है, विभिन्न मौसम से लड़ना पड़ता है, आपके शरीर में तभी ऊर्जा और शक्ति आ सकती है जब आप में मांसाहार होगा। और उन्होंने यह भी तक कहा बुद्धिजीवी वर्ग ने, जब इस विषय पर हमने अध्ययन करना चाहा कि बलि को लेकर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर तुम किसान परिवार से हो, कृषि करते हो, तो फिर तुम इस बलि के विषय में बात ही नहीं कर सकते हो। जैसे तुम खेत में घुसते हो, ऑटोमेटिकली जीव जंतु, छोटे कीड़े मकोड़े, उनकी जाने जाएंगी। लेकिन यह भी नीतिगत सिद्धांत है कि किसी की, मानव सभ्यता की रक्षा है, तो अगर किसी की बलि भी जाती है तो बुरा नहीं होता है। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हम तो बलि कुछ लोगों की ली जाती है, माने छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की, अगर उदाहरण के तौर पर खेती के समय, लेकिन पेट भी तो हजारों का भरता है, इसीलिए अगर किसी की जान जाने से माने नुकसान होता है तो उसकी तुलना में हम लोग भरपाई भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इस विषय पर आप स्पष्ट रह जाइए कि भाई हम लोग जिस समुदाय से आते हैं, खेतीहर कृषक वर्ग, आदिवासी मूलवासी, तो वो हमारी भी आस्था है।
पारसनाथ पहाड़ किसी व्यक्ति विशेष किसी धर्म विशेष का नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जिस प्रकार से लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ माने झारखंड के लोग प्रवेश ना करें, अरे भाई ठीक है, आस्था का सम्मान है, आपकी भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, आप जांच के साथ उनको प्रवेश करने दें, या फिर उसी पहाड़ के इर्द गिर्द बहुत सारे गांव हैं जहां आदिवासी मूलवासी रहते हैं, उनका भी अपना पर्व त्यौहार है और उनके पर्व त्यौहार में मुर्गी चंगना का भी बलि होता है। जब हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो अगला को भी हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए। ये विविधता है, संसार विविधताओं में है और प्रकृति ने बनाया है, ये तो हमने तो ही नहीं किया है। अगर प्रकृति ने नहीं बनाया होता तो हिरण और शेर नहीं बनते, क्योंकि शेर हिरण का अगर ग्रास नहीं करेगा तो शेर जीवित नहीं रहेगा, और फिर अगर वो जीवित नहीं रहता तो फिर प्रकृति ने उसे बनाया क्यों है? तो सवाल बहुत खड़े होंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सदियों से ये छल कपट झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के साथ ही क्यों? कभी टाटा बीसीसीएल सीसीएल तो कंपनियों के माध्यम से उनके जमीनों को छीनने का प्रयास निरंतर, माने एक प्रकार से उनका नरसंहार किया जाता है, मारपीट कर गांवों से भगाया जाता है। अब कुछ लोग माने किसी ट्रस्ट के नाम से, आस्था के नाम से लगभग 105 किलोमीटर सरकारी ऑफिस में तैयारी चल रही है, 105 किलोमीटर पारसनाथ के इर्द गिर्द 105 किलोमीटर की जमीन को ट्रस्ट को देने की बात चल रही है। 105 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, यानी ना जाने हमको तो लगता है दर्जनों गांव समा जाएंगे, वे गांव जो पारसनाथ पहले से अस्तित्व में, सॉरी माफ भी चाहेंगे, इस पारसनाथ जिस चीज के लिए हम लोग जानते हैं, जैन जो तीर्थंकर थे उनकी आस्था का विषय है, लेकिन जब से उससे पूर्व से वो गांव अस्तित्व में है तो उन गांवों में संकट आएगा। और कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार जो रही है, अक्सर उन्होंने पूंजीपतियों का सपोर्ट किया है, और पूंजीपति धार्मिक आस्था के नाम पर या अपने स्वार्थ अपने लाभ की पूर्ति हेतु आज एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे हैं, और इस साजिश को मुझे लगता है आज पूरे झारखंड विशेषकर पारसनाथ के जो वासी हैं उन्हें समझना होगा, और आज आपको तार्किक होकर समझना होगा। देखिएगा पारसनाथ पहाड़, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं, 3 साल पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि नक्सलियों को माने नियंत्रण में करने के लिए जो सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं ये अपितु नक्सलियों को नियंत्रण नहीं करना है बल्कि पूंजीपतियों का वहां ट्रैक्टर चलाना है, ये हमने अनुमान में कहा था 3 साल पहले जब हम यहां आज आंदोलन के पूर्व ही कहे थे। आज देख सकते हैं पीरटाण पर्वतपुर के आसपास बहादुरपुर नहीं माफ कर माफी चाहेंगे पर्वतपुर के आसपास एक पिकेट बना है, एक निमिया घाट में पिकेट बना है। सबसे पहली बात आज सीआरपीएफ, मेरे भी बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन तार्किक बात को उनको भी समझना होगा कि किस प्रकार उद्योगपतियों के संरक्षण के लिए उन्हें पर्वत पहाड़ों को बेचने के लिए आज सैन्य का प्रयोग किया जाता है। आज लोग सोच रहे हैं कि चलिए नक्सलियों को नियंत्रण में रखने के लिए, चूंकि पीरटाण क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसीलिए वहां पिकेट्स का स्थापना किया गया है, लेकिन याद रखिएगा जब से पिकेट्स का स्थापना हुआ है वहां आज तक कोई ऐसी गतिविधियां नहीं हुई है और होंगी भी नहीं, लेकिन हिंसा की संभावना कब बनेगी पता है? जब वहां पारसनाथ पहाड़ का 105 किलोमीटर का जमीन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जाएगा तब ऐसी सिचुएशन सामने आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई, तब कौन? इसीलिए आज ये समझना होगा कि आखिर ये नक्सली बनते हैं कैसे, नक्सली बनने के पीछे का कारण क्या है। आज शायद 1980-85 का वो दौर था जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के एक पेपर में भी प्रकाशित हुआ था कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम उस समय नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था पता है? पीरटाण क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो आदिवासी मूलवासियों की थी, उसे किसी महाजन ने किसी साहूकार ने 2-4 चंद रुपयों में कर्जा देकर उस कर्ज के नाम पर उसे लिया गया था, लेकिन फाइनली उन्होंने गांव वालों गरीब किसानों को जमीन वापस किया था, वो सरकार का काम था। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप पारसनाथ के बैकग्राउंड को जानने के लिए जाते हैं कि वहां आखिर नक्सली श्रेय शरण क्यों पाते हैं तो इसके पीछे कारण यही आएगा, एक बहुत बड़ा अन्याय जो यहां के मजलूमों के साथ होता है, पहली बात। और हां आपको यह तार्किक होना होगा, बिल्कुल हम भी मानते हैं नक्सली असंवैधानिक विषय है, असंवैधानिक लोग हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक लोग बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नक्सली हवा पानी नहीं बनता है, उन्हें संवैधानिक लोग यानी करने का मतलब है मंत्रालय, मंत्रालय में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग नक्सली को उत्पन्न करते हैं। क्यों?
उन चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में, चंद योजनाओं के लालच में, चंद रुपयों के लालच में इतना बड़ा 105 किलोमीटर का जमीन जो तैयारी कर रहे हैं पारसनाथ को मैंने किसी ट्रस्ट को देने के लिए, तो वे लोग कहां जाएंगे? उनमें से कोई विद्रोही बनकर जब सामने आएगा, जब अपने अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएगा, निश्चय आप उसे सर कलम करने के लिए उसे एक नक्सलवाद का नाम देंगे। उसके बाद किससे कलम करवाएंगे ये भी देखना होगा, बड़ी दुर्भाग्य का विषय है आज में। चाहे एक तरफ नक्सली को गोली लगे या फिर किसी जवान को लगे, कभी भी तार्किक होकर सोचिए, भावनाओं भाव के मत सोचिए, दोनों मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। आज जितने बीपी कैट्स हैं मेरे जो साथी हैं, अगर वे भी सुन रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे निमिया घाट में जो सीआरपीएफ कैंप का पिकेट बना है अथवा जो पर्वतपुर में पिकेट बना है, उसमें अगर एक भी किसी सेठ साहूकार सेठ मड़वारी का बेटा अगर होगा तो आके दिखा दीजिएगा। कौन होता है? मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है, एक किसान कामगार मजदूर का बेटा, जो जीडी रैंक जिसे हम कहते हैं, जो सेंड में जाते हैं, जो सिपाही की नौकरियां करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उससे यहाँ लड़ाया जाता है। बहुत बड़ी साजिश, मेरा मानना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं स्टडी के बाद कह रहा हूं, क्योंकि जब भारत आजाद नहीं था उस समय नक्सली नहीं थे। तो सवाल बनता है कि आजाद होते ही नक्सली बने, कौन बने? यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो लोग उस समय अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, अगर आजाद भारत में कहा जाए तो ऐसे तबके के 2-4% लोगों को ही नक्सली नाम दिया गया होगा। आखिर आजाद भारत में नक्सली क्यों है? अंग्रेजों के टाइम क्यों नहीं था? क्या उस समय पूंजीवाद नहीं था? यानी उस समय चूंकि भारत आजाद नहीं था, यानी ये सरकार जो काम अंग्रेज कर रही थी और क्रांतिकारी कर रहे थे, वही काम यहाँ सरकार बैठकर कर रही है, और जो लोग आवाज मान रहे उसको कुचलने के लिए उसी के भाई से उस भाई को गोली चलवाया जा रहा है। ये तार्किक विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज अगर पारसनाथ की बात करें तो कभी आपने देखा है वहाँ मूलवासी हैं, जिनके जमीनें गई हैं, बिल्कुल आज जो मधुबन जो आज एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जमीनें किसकी गई है? मूलवासियों की गई है। मैक्सिमम नहीं, 100% जमीनें मूलवासियों की हैं। मैं 4 नक्सलियों का नाम लेना चाहूंगा उस क्षेत्र का, मुझे अब डर भाई नहीं है, लेकिन परिस्थितियां क्यों बने वे लोग, क्या कोई इस पर स्टडी करेगा? मैं चाहूंगा जो लोग अगर वीडियो में जुड़े हैं पीटा के साथ तो मुझे बताएंगे कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने एक सुंदर सी वादियों में नक्सल को चुना। यही कारण होगा, अन्याय, शोषण, क्योंकि उस समय शोषण करते थे साहूकार, महाजन लोग, जो राजा के सामंत हुआ करते थे। ये हम नहीं कह रहे, किताब जो मैंने जिन किताबों का स्टडी किया, झारखंड के विस्थापितों का दर्द उस किताब में स्पष्ट लिखा है, हिंदुस्तान के पेपर का कटिंग उसमें स्पष्ट लिखा है। नाम अजय महतो, संजय महतो, मिसीर बेसरा, किसुन हास्ता, ऐसे 125 नक्सलियों की सूची है गृह एवं आपदा विभाग, कारा एवं आपदा विभाग 33/2018 झारखंड सरकार, जिसमें 125 में लगभग 25 जो नक्सलियों की सूची है वो पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द है। क्यों? विषय तो बनता है ना, जो एक किसी सेना के जवान का वो अपने वीडियो देखा होगा, किसी डिबेट में उन्होंने कहा था कि ये नक्सली होते हैं कौन, शहर से दूर शांत जंगल वनों में अपने पूर्वजों की दी हुई धरोहर खेती के माध्यम से अपने जीविका को उपार्जन करने वाले लोग, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण हथियार बंद हो चुके हैं। इस बात को सच्चाई को आपको मानना होगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं अभी भी कहता हूं, मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूं, नक्सल असंवैधानिक है, लेकिन इस असंवैधानिक लोगों को संवैधानिक लोग बनाते हैं। अब इसे फिर से आते हैं पारसनाथ पर, चर्चा करते हैं कि आखिर पारसनाथ में होगा क्या। पहली बात, पूर्ण आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमेशा आस्था के नाम पर मानवता को नष्ट नहीं कर सकते, आस्था के नाम पर आप इंसान को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतना ही आस्था है तो लोग पानी को पूजनीय मानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उसी पानी जिसमें आप पूजनीय मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, ठीक 10 फीट ऊपर कोई उसमें कूला कर रहा है। तो इसलिए प्राकृतिक विषय जो है उस पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, आपके लिए आस्था का विषय है, आप उसे नमन कर रहे हैं, लेकिन ठीक 10 फीट दूरी पर कोई उसी पानी में कूला कर रहा है, क्या करेंगे आप? यही उदाहरण हम देना चाहते हैं। तो ठीक उसी पर का, ठीक आपके लिए आस्था का विषय है, लेकिन वो पहाड़ के चारों ओर हमारे गांव, जो सदियों से हम लोग भूमि फट है यहाँ के, और हमारी जो राढ़ सभ्यता कहा जाता है उसका एक आदि बिंदु है, सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर, इस तरह की कहावत की कहा जाता है राढ़ सभ्यता के लिए। तो आज ये विषय, अगर आज पारसनाथ के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, अगर वो जागृत नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट आएगा। और इसीलिए, और आपकी एक जानकारी के लिए बता दें, हमारी बात एक झुमरा पहाड़ के भी साथी से हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झुमरा पहाड़ में भी जो पिकेट्स लगाया गया है, नक्सली तो मामूली विषय है, आज उनके पास है क्या, ना आधुनिकता है ना कुछ नहीं है, मेन विषय वो जमीनें सुनने में आया किसी उद्योगपति को दी गई है।
झुमरा पहाड़ के नीचे की जमीनें जबरन किसी उद्योगपति को दी जाएगी, मैं नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी तरह से उसमें अध्ययन नहीं किया है। जिस दिन मैं अध्ययन कर लूंगा उस विषय पर भी मैं पूर्ण जानकारी आपके सामने रखूंगा। जिस दिन उस उद्योगपति जमीन पर चारों ओर अपने बाड़े लगाएगा, अपने कटीले तार को घेरेगा, जाहिर सी बात है गांव के लोग विरोध करेंगे, फिर वही किसान का बेटा जो पुलिस सिपाही बना है उससे उसको लड़वाया जाएगा, मरवाया जाएगा। इधर मरे, नुकसान मिडिल क्लास फैमिली का होता है, नुकसान किसान वर्ग का होता है। किसी रईस का बेटा कभी फोर्स में नहीं जाता है, अगर जाता है तो ऊपर के रैंक में जाता है, ये जीडी जनरल ड्यूटी करने नहीं जाता है। भले आप इसे भावना के तौर पर लेते हैं लेकिन तार्किक होकर आपको सोचना होगा कि आज 70 सालों के इतिहास में इस देश ने चंद मुट्ठी भर हाथों के कॉर्पोरेट्स के हाथों में इस देश को करने का प्रयास, पारसनाथ उसकी एक बहुत बड़ी सोची समझी गहन साजिश लग रही है। आप देखिए फरमान आ रहा है कि जो मैंने ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं, मैं बार बार चूंकि धार्मिक विषय को मैं लेना नहीं चाहता हूं, मैं धार्मिक विषय पर बात भी नहीं करना चाहता हूं, यानी उस आस्था के हटकर जिनकी आस्थाएं हैं वे पहाड़ को चढ़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं आप, उनकी जो आस्था है और उनके हटकर जिनकी आस्था है वे लोग वहां चढ़ेंगे नहीं। अरे भाई वहां हमको लगभग हजारों किस्म का दवा उत्पन्न होता है, जड़ी बूटियां कई प्रकार के जड़ से पत्तों से हजारों किस्म की दवाइयां वहां से हम बनाते हैं जो हमारे जीवन का चर्या है, दैनिक चर्या है। और आज वहां प्रतिबंधित कहने की बात कही जा रही है, 105 किलोमीटर को ट्रस्ट को देने की बात कही जा रही है, दर्जनों गांवों को उखाड़ने की बात होगी। झारखंडी कहां तक जाएगा भाई, कितना लूटेगा, क्या भाई हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, आपका आप अपनी आस्था के लिए एक नियम लगा सकते हैं, साल भर में जो आपका समय आता है आप उसमें जांच बैठा सकते हैं, जांच के अनुसार लोग ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारसनाथ के चारों ओर आप ये फरमान जारी करेंगे कि वहां वे लोग जो उनकी आस्था से हटकर है यानी जो लोग बलि प्रथा का समर्थन करते हुए चढ़ेंगे ही नहीं। अरे भाई वहां भी सरहुल होता है, कुछ ऐसे आदिवासी मूलवासियों का पर्व होता है जहां मुर्गी चंगना का बलि दिया जाता है और वो हमारी भी आस्था है, हमारा वो कर्म है, हम लोग कृषक वर्ग हैं, अगर हमारे शरीर में मांसाहार नहीं आएगा तो किसानी नहीं होगी, सबका अपना अपना कल्चर एंड कस्टम है। कृषि युग से पहले शिकारी युग था, शिकारी युग का मतलब क्या था, आप मानव सभ्यता को नहीं झुठला सकते, मानव सभ्यता में शिकार युग था, शिकार युग यानी समझ ही गए क्या होता है शिकार युग का मतलब, तब मानव सभ्यता को नहीं खारिज कर सकते हैं, और शिकार युग यानी हमारा जो दिनचर्या है कृषक वर्ग का वह मानव सभ्यता का ही एक अंग है, तो आपकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, आपको हमारी सभ्यता का भी सम्मान करना होगा, आप अपने हिस्से को सुरक्षित रखें, बाकी हिस्सा हमारा है क्योंकि वहां जल जमीन जंगल हमारा है। कितना दुर्भाग्य की विषय, अगर इस साजिश को लोग नहीं समझते हैं ये सच्चाई है, आज इस देश में आज इस राष्ट्र में चंद मुट्ठी भर लोगों के पास राष्ट्र की संपत्ति है, जिसमें चार समुदाय आता है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा मैं जाति धर्म की बात नहीं करूं, लेकिन चार समुदाय आते हैं आप खुद सर्च कर लें, उनका न्यूज आज तक में दिखता है। हम यहाँ डहरे टूसू में 50,000 की संख्या में थे, डहरे करम में 50,000 की संख्या में थे, सोहराइश आचर में 20,000 की संख्या में लोग थे, सरहुल में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं, कौन सा एनडीटीवी और कौन सा आज तक और कौन सा जी न्यूज में दिखाया जाता है, क्यों ना, वे लोग कृषक वर्ग से हैं, वे लोग आदिवासी मूलवासी हैं, बाकी लोग कौन है आप जानते हैं, उनका न्यूज जी न्यूज में चलता है, उनका आज तक में चलता है, पर हमारा एक पेपर में चौथे पन्ने में छपा जाता है। यह तो आज सोशल मीडिया है कि आज हमारे हमारे कर्मों की जानकारी दुनिया तक पहुंच जाती है, इसलिए आज पारसनाथ संकट में है, और मैं स्पष्ट कहूंगा कि पारसनाथ नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि पारसनाथ राढ़ सभ्यता का आदि बिंदु है, सीख शिखर नागपुर आधा आदि खड़गपुर, शिखर मतलब वही पारसनाथ की बात कही गई है, वो हमारी सभ्यता का हमारी संस्कृति का एक बिंदु है, इसीलिए पारसनाथ से छेड़छाड़ किसी भी हाल में एक पारसनाथ के बेटे को मंजूर नहीं होना चाहिए, बाकी लड़ना या ना लड़ना विषय आपका है, हमने जो अभी तक मंथन किया जो चिंतन किया वो आपके सामने मैंने रखा, बाकी और भी क्योंकि पारसनाथ के विषय में आसानी से टॉपिक खत्म नहीं हो सकता है, ये आज के 2 घंटे का अध्ययन है, अभी बहुत सारे विषय पर बात होगी, वहां किस प्रकार मैंने एक षड्यंत्र के तहत और मैंने स्पष्ट कहा वहां आग अब गांव वाले नहीं लगाते हैं, अब आग उद्योगपति लगाते हैं, इसलिए आग लगाते हैं कि जैसे ही वहां जंगल खत्म होगा वहां बड़ी बड़ी कोठियां बड़ी बड़े मंगले बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जाएंगे जो पर्यटक को लुभाया जाएगा, अरबों खरबों का व्यापार होगा, किनका, मैक्सिमम लोग गुजरात से आए हैं, मरेंगे झारखंड के लोग, कटेंगे झारखंड के लोग, लड़ेंगे झारखंड के लोग, बर्बाद होंगे झारखंड के लोग, और गुजरात के चंद उद्योगपति पारसनाथ को कब्जा करने आ रहे हैं।
आपकी आस्था का पुनः सम्मान करते हैं। आप दूसरा विकल्प चुनिए, आपके विकल्प का, आपके नियमों का, शर्तों का भी सम्मान है, लेकिन ये फरमान नहीं होना चाहिए कि जो लोग मुर्गी छेंगना की बलि इत्यादि देते हैं वो पारसनाथ से। तो देखा आपने, जयराम महतो का यही कहना है, उनका साफ दावा है कि ये हमारी जमीन है, हमारी पूंजी है और हमारा पहाड़ जंगल जमीन जो है वो झारखंड वासियों का है। हालांकि वो मानते हैं कि ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि उनके खास दिन वो जैसे चाहे वैसे करें, जिनको चाहे उनको पहाड़ पर चढ़ने दें, जिनको न चाहे न चढ़ने दें, लेकिन बाकी दिनों में ये पहाड़ हमारा है, हमारा हक है। इस पर हजारों सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनसे हम लोग अपना अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, हमारे जानवर चरते हैं और बाकी सारी चीज़ें वे कह रहे हैं। तो अब एक नया विवाद अब शुरू हो गया है। पहले ये विवाद था कि वहाँ सरकार से जैन धर्म के लोग मांग कर रहे थे कि इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल की सूची से हटाया जाए, और अब यह मामला जो है अब दूसरी तरफ आ रहा है, और जहां एक ओर आंदोलन की राह पर जैन धर्म के लोग थे, दूसरी ओर अब स्थानीय समुदाय के आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोग भी गोलबंद होते दिख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यह पहाड़ हमारा भी है, अगर आपकी आस्था है तो हमारी भी आस्था है। अब ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है कि वो दोनों धर्मों की आस्था को कैसे उनका समन्वय बनाएगी, क्या वो किस योजना के साथ सामने आएगी ताकि दोनों धर्मों की पवित्रता बनी रहे, दोनों धर्मों का सम्मान बचा रहे, दोनों धर्मों की आस्था बनी रहे और वहाँ किसी तरह की किसी टकराव की स्थिति न बने। तो ये अब सरकार के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। देखना है कि सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होती है या सियासी दांव पेचों में उलझ कर ये विवाद एक आग का और एक बड़े किसी बड़ी घटना का कहीं कारण न बन जाए, ऐसी भी आशंका वहाँ जताई जा रही है। तो अब ये सरकार के ऊपर है, वहाँ पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि वो कैसे इस मसले को टैकल करते हैं और कैसे इसका हल निकालते हैं। आज जनमन की बात में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।